गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का टाइम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिल से स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आ जाओ देख रहा हूं बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं ऋषि अमरजीत अभय सुजीत अविनाश संदीप दिलीप गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी जय हिंद बेटा मूलाराम चौधरी जय हिंद जय हिंद जय हिंद गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा वोकेबलरी का सेशन है वोकेबलरी स्पेशल है आज हमारी ये जर्नी शुरू हो रही है आ, मैं सभी के देख रहा हूँ कमेंट्स अरे बाप रे इतने जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं मैं तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ <laughs> इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मैं किसी के नाम ही नहीं देख पा रहा हूँ हाँ।, हाँ हेलो हेलो हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी गुड इवनिंग मैंने एक बार कर दिया सभी के लिए हो गया है ना ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा लेट्स गेट स्टार्टिंग जय हिंद जय जै भारत जय हिंद जय जै भारत गुड इवनिंग है ना जय श्री राम बेटा जय श्री राम गुड गुणी� इवनिंग अच्छा साउंड बढ़ाई है साउंड भी बढ़ाते हैं एक्चुअली मैं ही आराम से बोल रहा था अब मैं अगर तेज बोलूंगा तो अब तो साउंड सही आ गया होगा मैं आराम आराम से बोल रहा था क्योंकि अभी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग और गुड इवनिंग ही चल रहा था तो दो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आपको कहीं पर पहुंचना है यहाँ से मुंबई जाना है गोवा जाना है मनाली जाना है अबरोड जाना है तो उससे पहले हमें इटिनरी तैयार करना पड़ता है एक यात्रा वृतान तैयार करना पड़ता है अपनी जर्नी का एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है और फिर क्या करना है है ना हाँ हा, हा, जी बेटा प्रणाम बेटा प्रणाम प्रणाम आ जाइए आ जाइए हाँ हाँ जी बेटा शुरू करते हैं हाँ बेटा देखो वोकेब प्रॉब्लम नहीं आएगी इट्स माई प्रोमिस आप और मैं अभी एक घंटा साथ हैं आपको वोकेब्लरी प्रॉब्लम में नहीं आएगा आज से वोकेब्लरी का जो सेशन शुरू कर रहा हूं आप कहेंगे यार इतना आसान हो सकता है क्या वोकैबलरी इतना आसान हो सकता है कि बहुत इजी है बेटा बहुत इजी है बस दिक्कत है है दिक्कत अप्रोच है की दिक्कत है उसे करने के तरीके की दिक्कत है डायरेक्शन को समझने की दिक्कत है प्रॉपर गाइडेंस की तो हमें क्या है ये सब चीजों का अभाव है वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स गुड इवनिंग हा तो गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग मैं देख पा रहा हूं आप सभी के कमेंट्स बढ़िया तरीके से प्रणाम बेटा प्रणाम तो शुरू करते हैं बेटा कहानी अपनी हम्म तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया कि हमें अगर अपनी यात्रा शुरू करनी है तो पहले इटिनरी तैयार करना पड़ेगा तो अगर मैं आपको वोकेबलरी समझाने जा रहा हूँ वोकेबलरी बताने जा रहा हूँ वोकेबलरी इजी कराने जा रहा हूँ तो सबसे पहले वोकेबलरी का हम सिलेबस समझते हैं वो का कंप्लीट सिलेबस है क्या जो इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपको पूरा वोकेबलरी करवाऊंगा तो क्या क्या करवाऊंगा तो पहले वोकेबलरी का हम इस इस सिलेबस को समझ लेते हैं ठीक है नमस्ते बेटा नमस्ते हाँ क्या कहते हैं नमस्ते बेटा हाँ तो देखो अब जो हम कर रहे हैं हमारा टाइम्स फ्यूचर कोचिंग सेंटर का संगम बैच जो है थ्री है और ये वोकेबलरी स्पेशल है तो मैं मैं नासिर अहमद आप सभी को वोकेबलरी समझाने जा रहा हूँ मुझे आपका साथ चाहिए कहते हैं कि ये टीचिंग इज ए टू वे प्रोसेस टू वे प्रोसेस अगर यहाँ से कुछ आ रहा है तो वहाँ से भी कुछ आना चाहिए यहाँ से कुछ पॉजिटिव जा रहा है तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव आना चाहिए हाँ बेटा जय जय राम की जय जय राम जी की जय राम जी की आ जाइए बेटा हाँ जी कर लिया बेटा मैंने आ जाओ ठीक है आ जाइए तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहले सिलेबस कि हम हाँ तो ये जो सिलेबस है बट अब मैंने पहले बताया माई नेम इज़ नासिर अहमद आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स और पिछले एक साल से मैं टाइम्स कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हूँ एंड नाउ आई एम इन योर सर्विस तो अब मैं आपको जो वोकेबलरी बताऊँगा वो जड़ से ज़ीरो से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वोकेबलरी की जड़ बुनियाद को समझा दूंगा मैं आपके तो पहले सिलेबस पकड़ते हैं वालेकुम अस्सलाम बेटा वालेकुम अस्सलाम जन्नतुल मुकाम दोजख के हराम व रहमतुल्लाह व बरकातहू ठीक है हाँ जी शुरू करते हैं अपनी कार्यवाही तो सिलेबस लेते हैं बेटा पहले तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस से कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते क्या हैं नमस्ते बेटा नमस्ते हाँ बेटा जो तुम कह रहे हो मोहन बेटा जो कह रहे हो तो मैं वकेबलरी के फुल कोर्स के साथ ही आया हूँ बिल्कुल तो इसलिए देखो पूरा सिलेबस समझ लो सिलेबस समझे पहले है ना बेटा ग्रामर यहाँ पर नहीं होगा ग्रामर आपको रवि सर करवाएंगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रवि सर कसम से बहुत मार्बलस पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं आपको रवि सर पढ़ाएंगे ग्रामर वकेबलरी मैं आपको करवाऊंगा तो वोकेबलरी शुरू शुरू करते हैं वालेकुम सलाम बेटा वालेकुम सलाम आ जाइए तो देखो पहले हम शुरू करते हैं, वन कि बात करते हैं कि वन क्या है? जब एक वर्ड पूरे का बन जाता है, उसे वन वर्ड्यूशन कहते हैं देख लीजिए बेटा एक एक करके समझते हैं चीजों को कि वन हैं क्या ध्यान दीजिएगा बेटा वन वर्ड सब्सिट्यूशन है क्या जैसे हम ऐसे कहें कि ऐसे कहा जाए वह व्यक्ति वह व्यक्ति जिसकी कभी मृत्यु न हो कि वह व्यक्ति जिसकी कभी मृत्यु ना हो तो इसको अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे तो इसको हम कह सकते हैं अमर है बेटा इसको कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता अमर समझिएगा हाँ हाँ वो रवि सर करवाएंगे मैं वोकैबलरी करवाऊंगा पैसेज वगैरह क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वो रवि सर करवाएंगे मैं आपको वोकेबलरी करवाऊंगा ठीक है बेटा हां देखो अब जरा इधर देखो हां हां ध्यान दीजिए बेटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू इज टोटली अप टू द मार्क टोटली अप टू एग्जामिनेशन लेवल तो आप प्लीज फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूं क्या होता है? कहता है वह व्यक्ति जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो क्या होता है तो कहता है अगर हम सिर्फ एक वर्ड लिख दें तो इसी को कहते हैं इसी को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाता है सब्सटीट्यूट का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ का मतलब के स्थान पर कि जब एक वर्ड जब एक वर्ड पूरे सेंटेंस के स्थान पर आ जाता है उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो जिसे हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं अमर को इमोर्टल 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 इज वर्ट जो कभी भी न मरे वह व्यक्ति जो कभी भी न मरे क्लियर है तो अब ध्यान दीजिए हाँ इमरान साक्षी नीतीश भारत हाँ जी ध्यान दीजिए बिल्कुल तरीके से ध्यान दीजिए शिल्पा जो आप कह रहे हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश बेटा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताऊंगा अभी तो मैं डेफिनेशन करवा रहा हूं अभी वो कैबलरी नहीं अभी तो मैं सिलेबस समझा रहा हूं ध्यान दीजिए तो ये क्या होता ये है कि जब एक पूरे सेंटेंस का सब्सटीट्यूट जब एक वर्ड हो जाता है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहलाता है ठीक है फिर आते हैं अगर हम बात करें फिर अगला जो हमारा टॉपिक है कि भाई ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है ये होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं बेटा कि जब हम अपनी स्पीच देते हैं जब वेन वी स्पीक इन इंग्लिश वर्ड हैपेंस स्पीच अपनी स्पीच को अपनी इंग्लिश को प्रभावी बनाने के लिए हम कुछ मुहावरों का इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे हिंदी में बोल देते हैं भाई घर का वैधी लंका ढाए जैसे हम कहते हैं कि भाई ओनली द वेर नोज द शू शूपिंग हमने कहा कि भाई चलो मैं दे देता हूं एक्लीज हील्स अब हमने कहा एक्ज हील्स अब एक्लीज हील्स का मतलब क्या होता है बेटा इसका मतलब होता है ए वीक पॉइंट इसका मतलब क्या होता है ए वीक पॉइंट किसी की भी कमजोरी तो इनको रटना नहीं है अब मैंने कहा कि अब मैंने कह दिया कि भाई एक्लीज हील्स का मतलब क्या हुआ कि ये तो एक्लीज हील्स का मतलब क्या हुआ किसी की भी कमजोरी कि ए वीक पॉइंट ये तो रटना हो गया भाई इसका इससे क्या कनेक्शन हाँ जी इसका इससे क्या कनेक्शन हाँ जी मैं देख रहा हूँ राहुल रामस्वरूप निलेश अनुराग है ना अशोक सत्यम हाँ जी कमजोर पहलू बिल्कुल ठीक है सत्यम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा सत्यम बहुत बढ़िया कहा आपने देसी भाई, ओ बेटे। देसी भाई तो ना, नाम बड़ा तू हो हो हरियाणा से <laughs> हां जी तो अब ध्यान दीजिए सीजीएल लेवल का ही बता रहा बेटा मैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं कि phrases, हर के अंदर आते हैं हां जी तो ये देखे तो क्या कहता है अकेलीस हिंस तो अकेलीस हिंस होता है ये क्या होता है ये ए वीक पॉइंट किसी का भी कमजोर पक्ष होता है तो ये क्यों बना ऐसा तो बेटा इसके पीछे की भी एक कहानी है पूरी स्टोरी को इससे इसे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा जब तक हम इसको इसका कनेक्शन नहीं समझेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बच, मतलब मा तो उसकी माँ को एक वरदान प्राप्त हुआ कि आप अपने बेटे को पर्टिकुलर पोर्ट में डिप करवा दो अगर डिप करवा दोगे तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा तो अब क्या हुआ माने से सोचते हुए तो उसे सोचा कि एक पोन में जाके उसमें जाके डिप करवा देती हूं जितना शरीर भीगेगा उतना शरीर वज्र का लेकिन एक शर्त थी कि आप पानी के अंदर अपने बेटे के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते कि पानी के के अंदर बेटे के अलावा और कुछ नहीं जाएगा और कुछ और जाएगा तो पानी काम नहीं करेगा तो फिर मां को क्या करना था माँ ने अपने छोटा सा बच्चा था उसके कपड़े तो उतार दिए उन्होंने सोचा इतना छोटा सा बेटा अगर मैं पानी में छोड़ूंगी तो डूब के मर जाएगा तो मां ने क्या किया अपने बेटे को उल्टा लटका दिया किस में क्या कहते हैं ये उल्टा लटका दिया मतलब उसके पैर ऊपर सर नीचे और जल्दी से नदी के अंदर एक डिप करवा दिया तो इतना डिप करवाया कि उसकी एडी सूखी रह गई क्योंकि एडी पकड़ी हुई थी अगर पूरा डिप करवाते तो हाथ भी पानी में चले जाते तो फिर वो असर नहीं करता पानी तो वो जो एड़ी थी एडी सूखी रह गई पूरा शरीर भीग गया अब जो पूरा शरीर भीगा पूरा शरीर उसका वज्र का हो गया और जो एडी थी वो सूखी रहेगी वो एक आम इंसान की रह गई हम्म हाँ जी बेटा ध्यान दो बेटा देखो पूजा सोनम अशोक भारत तो मैं जो अब समझा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं अभी सभी के अभी सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा तो एक घंटा सभी के रिप्लाई में चला जाएगा मानते बात को है ना सभी के रिप्लाई में चला जाएगा मैं धीरे धीरे मैं आपको सभी की बात का रिप्लाई आ जाएगा देखो क्या होता है ना कि जैसे जब बस चल रही है तो अगर पीछे जो सवारी बैठी है पीछे सवारी बोले ओ भाई 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 ऐसे भाई ऐसे भाई ऐसे चला, भाई ऐसे चलाओ 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 कर ले तो जो ड्राइवर है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा इसके लिए हमें करना क्या है इसके लिए हमें करना है कि सवारी आराम से पीछे बैठे और ड्राइवर पर भरोसा करे कि ड्राइवर सुरक्षित और मंजिल तक पहुंचा देगा तो बेटा मैं आपका ड्राइवर हूं आप मेरी सवारी हैं आपकी जिम्मेदारी आपकी सुरक्षा आपको मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है तो आप थोड़ा सा शांति का दान दीजिए थोड़ी देर सब्र कीजिए जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए क्योंकि मैं आपसे बात करता रहूंगा आपसे बात करता रहूंगा आपसे बात करता रहूंगा तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा समझना बेटा बात को तो ये टीचिंग जो है ना टू वे प्रोसेस है बेटा आपका और मेरा साथ रहेगा आपकी और मेरी बॉन्डिंग बनेगी तो हम अच्छा सीख पाएंगे समझ रहे हैं बेटा मैं मैं अगर अगर ज़्यादा ज़्यादा अब एक तो बच्चे कि भैया मेरा नाम लीजिए मेरा नाम लीजिए तो मैं नाम ही ले, ले लेता हूँ राधे श्याम अनुज कुमार है ना और ये अनुराग जीतू आई लव यू टू बेटा अविनाश राहुल देख बेटा सभी के नाम ले रहा हूं तो प्लीज बेटा मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने दो आप मुझे कौनसे अपने दोगे तो मैं आपको बढ़िया बता पाऊंगा तो इससे अगर मैं किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाऊं तो नाराज नहीं होना क्योंकि आप भी देख रहे हैं कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं एक बार में आठ दस देख सकता हूं बेटा एक बार में सिर्फ आठ दस कमेंट्स देख सकता हूं इतने सारे कॉमेंट्स अगर मैं किसी के कॉमेंट्स का रिप्लाई ना, ना कर पाऊं नाराज नहीं होना आप समझ रहे हैं कि मैं पढ़ा भी रहा हूं तो मैं बार बार इधर देखूंगा तो ध्यान दी जाएगा है ना तो इधर ध्यान दीजिए आप ठीक है अगर मैं किसी के कमेंट्स को ध्यान नहीं दे पा रहा हूं तो मैं ना देख पाऊं तो नाराज नहीं होइएगा अब मैं समझा रहा हूं ध्यान दे हम्म देखो तो यहां पर हम जो बात करते हैं बात आया कि एकिलीज हील को ए वीक पॉइंट क्यों कहते हैं तो मैंने बताया एकिलीज का पूरा शरीर वज्र का था और उसकी जो एड़ी थी वो एड़ी एक आम इंसान की थी क्योंकि वरदान के अनुसार माँ उसे जब आ, किसी रिवर के अंदर डिप करवाया तो उस रिवर के अंदर वो पूरा तो भीगा बस एडी सुखी रह गई थी तो फिर क्या हुआ जो क्या कहते हैं युद्ध भूमि के अंदर युद्ध भूमि के अंदर बहुत सारे तीर चले बहुत सारे तीर बेटा एक तीर आकर अकेले की एड़ी में लगा और उस तीर के अंदर जहर था अब उस तीर के अंदर जब जहर था तो जहर उसकी एडी जब तीर लगा तो जहर उसकी एड़ी से पूरे शरीर में फैल गया और वो मर गया तो मतलब उसका पूरा शरीर तो मजबूत मजबूत था सिर्फ एडी कमज़ोर थी तो एकलीज हील्स तो एकलीज एक पर्सन का नाम था एक योद्धा का नाम था एक सोल्जर का नाम था एक्लीस जो था एक सोल्जर का नाम था और हील क्या होती है एडी तो उस सोल्जर की एडी तो भाई एकलीज की जो थी एडी कमज़ोर थी तो इसीलिए जब कि कोई हम जब भी हमारा कोई कमजोर पॉइंट होता है कोई हमारी कमजोरी होती है वो एकेलीस हिल्स होता है हम कह सकते हैं इंग्लिश इज माई एकेज हिल्स इन दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर इंग्लिश मेरा एक्लीज हिल्स है हाँ हां जी ध्यान दीजिएगा ठीक है तो अब ये क्लियर हुआ बेटा हाँ बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी बेटा ये एस एस यूपीएससी एनडीए यूपी 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 नेवी सीडीएस सीएपीएफ ये सभी के लिए कारगर है सभी के लिए इवन स्पोकन भी कर रहे हो उसके लिए भी वोकेबलरी तो वोकेब्लरी है कहीं पर भी आ सकती है कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वोकेब्लरी ना आए ठीक है तो ये हुए हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो ये क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस तो ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है और इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं अब बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्या बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई सिनोनिम लिखा ये होता क्या है फिर हम बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अब इनके नाम को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं शब्द कैसे बना एंटोनिम शब्द कैसे बना हाँ <laughs> अरे प्र क्या नाम है तेरा नायक भाई लव की स्पेलिंग तो ढंग से लिखी यार कम से कम उसमें तो कंजूसी मत कर उसकी स्पेलिंग तो ढंग तो से लिख दे हां बेटा हर देखो शिल्पा मेरे बेटा शिल्पा बेटा जी मैं एक बात बताऊ वोकेबलरी इज वोकेबलरी वो हर मतलब लाइफ के क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सेक्शन को टच करेगा चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से चाहे साइंस स्ट्रीम से चाहे आप एम बी बी एस कर रहे हैं चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और चाहे आप कोई आ, मतलब एस एस सी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वोकेबलरी इज वोकेबलरी वो बहुत ईजी हो जाएगा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए मैं अभी सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूं अभी शुरू नहीं करा कुछ अभी कुछ शुरू नहीं करा अभी सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूं कि भाई सिलेबस में हम क्या क्या करेंगे वो समझा रहा हूं तो बेटा पहले बात करते हैं साइनो तो साइनो का मतलब होता है सेम बेटा साइनो का मतलब क्या होता है सेम और यहां पर एंटो एंटो केम फ्रॉम द वर्ड एंटी तो एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट तो अब यहां कहता है सेम और यहां कहता है अगेंस्ट तो नीम का मतलब होता है नेम नीम का मतलब होता है बेटा जी नेम ये रहा नीम्स तो इसका मतलब क्या हुआ नेम तो अब इनके देखो जब आपको इतना संधि विच्छेद कर दिया जब इतना इनका विश्लेषण कर दिया तो यहां समझ में आता है सेम नेम सेम नेम मतलब ब, कहता है बेस्ट एक्सप्रेस इन मीनिंग बेस्ट एक्सप्रेस इन मीनिंग इनको कह देते हैं हम समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले समानार्थी समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले शब्द ठीक है ना और ये क्या होता है अपोजिट इन मीनिंग हां बेटा हर एग्जाम में सैनी बेटा हर एग्जाम में काम आएगा सिलेबस का पीडीएफ अब बेटा देखो आ, अहम, Uh, बेटा बात समझे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका पूरे का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज रात ही डलवा दूंगा जो भी पढ़ाऊंगा वो सेम डे में आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये सारा पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगा ठीक है हाँ बेटा वहां पर पटना में पढ़ाता था शुभम कुमार चौधरी पटना में पैरामाउंट में पटना में पढ़ाता था मैं बेटा कॉपी पेस्ट मत मार <laughs> शुभम कुमार चौधरी पे कॉपी पेस्ट मत मार बेटा देख तो किसी के कमेंट्स ही नहीं देखने दे रहा है हाँ शुभम ऐसे नहीं कर हाँ बेटा अनुज कुमार कोर्स बेटा जब तक आपका ग्रामर का कोर्स चलेगा तब तक आपका वोकेबलरी का भी चलेगा पूरे पूरे जब तक पूरा कोर्स चलेगा आपका तब तक वोकेबलरी होता रहेगा हाँ बैंक के लिए बेटा एसएससी बैंक एमटीएस सीए सीएपीएफ आपकी मैं बात करता हूँ स्टेनोग्राफी और सीपीओ कोई भी uh, क्या कहते हैं कोई भी एग्जाम है सर ध्यान दो तो यहाँ पे बात करते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात करें तो ये समानार्थी शब्द एंटोनिम अगेंस्ट नाम मतलब विपरीत शब्द किसी के खिलाफ नाम तो ये होते हैं विपरीतार्थी अपोजिट वर्ड्स ये होते हैं अपोजिट वर्ड वर्ड्स जिन्हें कहते हैं विपरीतार्थक शब्द जिनको हम विपरीतार्थक शब्द कह देते हैं समझ रहे बेटा बात को तो विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स क्लियर है तो देखो थोड़ा थोड़ा समझते ही जब मैंने समझाऊंगा तब जब मैं इनको पढ़ाऊंगा एक बार मैं एक चीज करवाऊंगा जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि हाँ इनको कैसे डील करते हैं अब इस सिलेबस पे फोकस करते हैं होमोनिम्स होमोफोन्स होमोग्राफ्स फ्रेजल वर्ब अभी देख लो इतनी सारी चीजें हैं इनके अलावा अभी मैं एक एक करके तभी समझाऊंगा एक एक करके तभी समझाऊंगा जब मैं सिखाऊंगा कि होमोफोन्स होमोग्राफ्स और ये क्या कहते हैं होमोनीम्स ये होते क्या है लिस्ट ऑफ मैनिया मीनिंग क्या होता है ये पागलपन होता है किसी भी चीज का पागलपन जो होता है मैनिया लिस्ट ऑफ फोबिया किसी चीज का डर पूरी की पूरी मैनिया की लिस्ट पूरी की पूरी फोबिया की लिस्ट लिस्ट कितने टाइप के फोबिया होते हैं कितने टाइप के मैनिया होते हैं कितने टाइप के पागलपन होते हैं कितने टाइप के हमारे डर होते हैं लिस्ट ऑफ फाइल फाइल का मतलब होता है लव जो हम किस किस चीज से प्यार करते हैं तो उस लव की लिस्ट लिस्ट ऑफ लव लिस्ट ऑफ़ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है सरकार कितने तरीके की होती है, कि प्लूटोक्रेसी डेमोक्रेसी है ना एरिस्टोक्रेसी अरि, हाँ बेटा मेरी जो क्लास होगी सैटरडे और संडे हुआ करेगी वैसे फ्राइडे सैटरडे संडे करेंगे आ, आने वाले कुछ समय में फ्राइडे सैटरडे संडे फिलहाल सैटरडे संडे है आगे से हमारी क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे होगी हाँ हाँ बेटा लेकिन बेटा इस बैच में शुभम चौधरी मैं इस बैच में ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा इसमें मैं वोकेबलरी ही पढ़ाऊंगा ठीक है बेटा हाँ जी हाँ ध्यान दें अगला है प्रोनाशिएशन कि शब्दों का प्रोनन्सिएशन कैसे होता है शब्दों को प्रोन उच्चारण कैसे करते हैं जैसे अगर मैं बात करूं शब्दों के उच्चारण की तो बेटा ये जो वर्ड है हमारा इसको आप क्या पढ़ेंगे इसको आप क्या पढ़ेंगे तो इसको हम अगर ऐसे पढ़ते हैं पिज्जा तो बेटा ये गलत है इट इज नॉट कॉल्ड पिज्जा दैट इज इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी दैट इज पिज्जा इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी पिज्जा तो टाका हल्का सा साउंड आएगा अगर यकीन ना हो तो एक बार गूगल करके देखो आपको पता चल जाएगा ये पिज्जा नहीं होता पिज्जा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की भी मैं आपकी क्लास लूंगा कि शब्दों को कैसे बोलते हैं शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं कि शब्दों को कैसे बोला जाता है जैसे अगर हम बोल रहे हैं कोई भी शब्द हमने बोला डोर जिस वर्ड के एंड में र होता है जिस वर्ड के एंड में र होता है तो उसे डोर तो जबान थर्रानी नहीं चाहिए तो उसको हम पढ़ते हैं डो बड डो बड समझ रहे र रह का साउंड हट जाता है तो इसको जैसे हमने बोला डो तो इसको सिर्फ हम इतना बोलेंगे डो डो इसे क्या कहते हैं जैसे बोलते हैं बी यू डबल टी ई आर तो ये बटर नहीं होगा बटर नहीं होगा बटर तो र का साउंड नहीं आता तो ये प्रोनंसिएशन आपको समझाएंगे कि कैसे प्रोनंसिएशन ठीक होती है जैसे के और एन का के और एन का जहां पर भी कॉम्बिनेशन होता है तो के जो है वो लिखा जाता है बोला नहीं जाता साइलेंट वर्ड्स के बोला लिखा जाता है बोला नहीं जाता जैसे हमने बोला नो no. तो हम एकदम बोलेंगे नो no. के नहीं बोला जाए क्रो नहीं पढ़ेंगे तो नो मतलब जानना जैसे नी नी मतलब घुटना तो किनी नहीं पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ेंगे नॉलेज के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई तो इसको हम नॉलेज नहीं पढ़ेंगे <coughs> इसको नॉलेज पढ़ेंगे तो प्रोनंसिएशन कि शब्दों को कैसे प्रोनंस करें शब्दों का कैसा उच्चारण करें तो <coughs> थैंक यू अशोक कुमार तो बेटा ये सब सिखाना है ये क्लास में होना है इनके सबके पी डी एफ दूंगा मैं सिखाऊंगा भी पी डी एफ भी दूंगा कि वेन एवर वी स्पीक एवरी वर्ड शुड कम आउट लाइक अ पर्ल फ्रॉम आवर माउथ कि जब भी हम बोले तो एक एक शब्द एक एक शब्द मोती की तरह निकलना चाहिए कि सुनने वाला इम्प्रेस हो जाए कि किस तरह से इन्होंने शब्दों का उच्चारण किया जैसे फोटोग्राफी नहीं फोटोग्राफी फोटोग्राफर नहीं फोटोग्राफर तो कैसे बोलते हैं शब्द कैसे पता चलेंगे सबके नियम कानून हैं सब समझाऊंगा हाँ जी जीतू ऋषि हाँ जी, जी बेटा टाइम्स बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है सारे टीचर उसके अंदर अपने आप में एक हीरा है ठीक है बेटा थैंक यू सलोनी गुप्ता थैंक यू फिर आते हैं रूट वर्ड्स शब्दों के रूट रूट वर्ड्स कैसे देखो रूट वर्ड्स कैसे बेटा आज से पहले आपने कभी भी ये वर्ड सुना सेल्फी बताए ये 2021 के बाद ये शब्द 2021 में जन्मा था ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में जब एक स्टूडेंट की ग्रेजुएशन पूरी हुई थी तो उसने अपने टीचर्स अपने अध्यापकों के साथ एक फोटो लिया अपने फोन में फोन को तिरछा करके एक फोटो लिया और फोटो लेने के बाद उसने अपने दोस्तों को पोस्ट किया और नीचे पता है क्या लिखा सेल्फी अब लोगों ने पूछा अबे ये सेल्फी क्या है हमने तो सुना ही नहीं तो 2021 से पहले तो शब्द था ही नहीं क्योंकि उस समय फोन भी नहीं थे उस हिसाब से क्या कहते हैं और फिर जो फोन थे फोनों के अंदर बैक कैमरा थे फ्रंट कैमरा नहीं थे है ना क्या, क्या कहते हैं पीछे की तरफ कैमरा था सामने नहीं था फिर फ्रंट कैमरा फ्रंट कैमरा लोगों ने ऐसे करके टेढ़े मेढ़े फोटो खिंचाने शुरू किए तो फिर एक एक्शन एक अस्तित्व में आ गया तो ये बना कैसे तो इसे समझे तो ये दो शब्दों से बना बेटा ये दो शब्दों से बना एक तो सेल्फ समझे एक सेल्फ और एक फी फी से बिना बना फिल्म तो एक ये किससे बना सेल्फ एक किससे सेल्फ और दूसरा क्या था दैट इज फिल्म तो क्या बना सेल्फ की फिल्म फिल्म को हम पोर्ट्रेट भी कहते हैं पिक्चर पोर्ट्रेट या पिक्चर मतलब सेल्फ की फिल्म ले लेना सेल्फ की पोर्ट्रेट ले लेना खुद का फोटो ले लेना तो ये 2021 में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में इस वर्ड ने जन्म लिया हां बेटा चलो कोई नहीं शुभम अब इधर आकर पढ़ते हैं बेटा हाँ अब पढ़ते हैं शुभम बेटा मैं देख लेता हूं तुम्हारे कमेंट्स बेटा कॉपी पेस्ट मत मारना बेटा देख और बच्चों को भी परेशानी होगी देखो आप कितना कितना कॉपी पेस्ट मार रहे हो मैं और किसी के कमेंट्स देख नहीं पाऊंगा हाँ हाँ जी ध्यान दीजिए थैंक यू बेटा थैंक यू तो ध्यान दे तो ये क्या बना सेल्फी तो सेल्फ की फिल्म लेना तो अब ये बात समझ में आ रही है तो आप ध्यान दें तो ये जो दो वर्ड्स आए ये समझे अब रूट वर्ड क्या होते हैं एक वर्ड ये बना एक वर्ड ये बना इन दोनों वर्ड के मिश्रण से इन दोनों वर्ड के मिश्रण से ये वर्ड मिल गया इन दोनों के वर्ड्स के जुड़ने से तो बेटा इस वर्ड को और इस वर्ड को हम क्या कहेंगे रूट वर्ड्स इनको कहते हैं रूट वर्ड्स कि जिन शब्दों से दूसरे शब्द बन जाते हैं तो जिन शब्दों के जरिए से बनते हैं तो वो शब्दों का जो जरिया होता है उसे रूट वर्ड्स कहते हैं शब्दों की जड़ कि शब्द बन कैसे रहें पनप कैसे रहें तो दुनिया के अंदर नियर अबाउट 20 लाख के आसपास शब्द हैं समझ रहे हैं? और हर साल इंग्लिश के अंदर 50, 100, 150, 200 नए शब्द बन जाते हैं टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके अनुसार जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था आजादी से पहले कंप्यूटर नहीं था तो लोग माउस मतलब तो चूहा ही जानते थे है ना भाई आजादी से पहले तो कंप्यूटर नहीं था तो उस समय तो लोग माउस मतलब चूहा ही जानते थे लेकिन आज अगर आप सर्च करते हो ये पूछ कर माउस तो माउस दो चीज बताएगा एक तो चूहा ही बताएगा और दूसरा क्या बताएगा एक्सटर्नल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का एक्सटर्नल डिवाइस तो बेटा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वोकेबलरी भी बढ़ रही है है ना हाँ बेटा ये पीडीएफ डी एफ अश्मिता कुमारी ये पूरे का पूरा पीडीएफ जो है आपको ऐप पर प्रोवाइड हो जाएगा कोई भी पीडीएफ तभी मिलेगा जब क्लास हो जाएगी बेटा क्लास से पहले पी नहीं मिलेगा जो पढ़ा देंगे वो सेम डे में आपको अपलोड हो जाएगा सेम डे में जो भी पढ़ा रहे सेम डे में ठीक है ना क्लियर हुआ बेटा मेरी बात समझना तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी तो ये क्या होते हैं ये होते हैं हमारे रूट वर्ड्स ठीक है अब क्या आता है एटीमोलॉजी एटीमोलॉजी स्पेलिंग्स में देखो दिक्कतें होती हैं स्पेलिंग कैसे पढ़ते हैं एटीमोलॉजी एटीमोलॉजी का मतलब यही होता है शब्दों का निर्माण बेटा ये जो तो दो दो शब्द बने तो शब्दों से ये तीसरा शब्द बन गया चलो तो मैं एक वर्ड और बताता हूं. एक वर्ड वर्ड और और बताता ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा मैंने लिखा प्रीफिक्स मैंने लिखा प्रीफिक्स अब ये प्रीफिक्स होता है क्या है तो ये दो शब्दों से बना एक प्री और एक फिक्स दो शब्दों से बन गया एक तो प्री और दूसरा फिक्स अगर मैं बात प्री की करूं अगर बात में प्री की करूं तो प्री का मतलब होता है बिफोर और अगर मैं बात फिक्स की करूं फिक्स का मतलब होता है टू एड किसी में कुछ जोड़ देना मतलब प्रीफिक्स जो पहले आकर जुड़ जाए तो अब बेटा इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो पहले आकर जुड़ जाए किसी से तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों वर्ड्स हैं और इनको जो रीजनिंग इनको जो समझने का रीजन है जो कारण है इनका जो समझने की रीजनिंग है इनके समझने की कि ये शब्द बना कैसे तो शब्दों के बन, बनने का जो कारण होता है उस रीजनिंग को उस रीजनिंग को हम एटीमोलॉजी कहते हैं शब्दों के बनने का जो कारण होता है शब्द बनते क्यों हैं? कैसे ये बढ़ते जा रहे हैं किस प्रकार से बनते हैं कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें ये बनते हैं अरे भाई हमें समझ में क्यों नहीं आते हैं तो मैं क्या बता रहा हूं हमारा अप्रोच गलत है गाइडेंस गलत है वो कैबलरी दिक्कत नहीं है दिक्कत है हमारा मार्गदर्शन सही नहीं है अभी तक और आज के बाद मार्गदर्शन ऐसा होगा वो कैबलरी दिक्कत में नहीं आएगी हाँ <laughs> अबे तुम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो राहुल कुछ भी पूछ रहे हो ठीक है हाँ जी तो क्लियर हुआ बेटा तो इसे कहते हैं एटीमोलॉजी अब एटीमोलॉजी आपको समझ में आया कि क्या होता है फिर आती है स्पेलिंग्स स्पेलिंग में कितनी मिस्टेक्स होती हैं हमारी स्पेलिंग में कितनी मिस्टेक हो, होती है चलो एक एक वर्ड में दे रहा हूँ उसे बताओ देखो स्पेलिंग की बात बताता हूँ चलो स्पेलिंग की अभी मैं सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूँ मैंने कुछ शुरू नहीं किया ये समझ लेना सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूँ सिर्फ सिलेबस कि समझ लो कि भाई मैं सिलेबस में करवाऊंगा क्या क्या तो जैसे हम बात करते हैं हमने एक जल्दी बताओ कौन सा स्पेलिंग ठीक है जी आर ए एम एम डैश आर इसके अंदर जी आर ए एम एम ए आर आप मुझे बताइए या इसमें ई फिट करूं मींस जी आर डबल एम ए डबल या ए आर। जल्दी बताएं कौन सी स्पेलिंग ठीक होगी कौन सा कि इसको बोलें जी आर ए एम एम ए आर या जी आर ए एम एम ई आर तो इन दोनों में से कौन सा स्पेलिंग ठीक है ई वाला या ए वाला जल्दी बताएं जल्दी से आ, स्पेलिंग ठीक करके बताएं सर मेरा मैसेज नहीं देखते हैं बेटा गणेश क्यों नहीं देखूंगा तुम्हारा देखूंगा एस गणेश भाई अरे गणेश जी से तो सारी चीजों की शुरुआत है यार श्री गणेश करना समझ रहे हैं देखो दे, रिप्लाई करो गणेश भाई ऐसे ना बोले कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ देखो कितने बढ़िया देखो अब ए आर ई आर ए आर ई आर ए आर ई आर ए आर ई आर कितने कमेंट्स आ गए कितने कमेंट्स आ गए कितने कमेंट्स आ गए अब मैं समझाता हूँ जिंदगी भर नहीं भूलोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे मैं ऐसा सिखा दूंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि ए आर आना चाहिए या ई आर आना चाहिए तो देख लो बेटा इसको मैं बताऊं तो इसके अंदर आता है आपका मैं चलो पहले क्लियर कर दूं इसके अंदर आएगा, आएगा आपका आंसर दैट इज दैट इज ए आर यहां पर ए आएगा मतलब ए आएगा ई नहीं तो इसको देखो मैं सिखा देता हूं आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे देखो, G -R -A -M -M -A -R. तो कितना इंटरेस्टिंग है, है हमारा अप्रोच गलत है वोबलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखो कैसे कहता पीछे से देखो आर ए एम राम आगे से देखो आर ए एम राम और ये क्या बना जी तो क्या बना देखो पीछे से देखो तो क्या आर ए एम तो क्या बना राम है ना आगे से देखो आर ए एम यहाँ पे देखो आर ए एम तो क्या बना राम और बेटा पीछे ये जो दे रखा है इससे क्या बना जी तो क्या बना राम राम जी अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया है ना अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि भाई ग्रामर का स्पेलिंग तो स्पेलिंग सिखाऊंगा मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा है ना क्लियर <laughs> हुआ कि नहीं तो स्पेलिंग के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं सारी चीज़ें मजा आ जाएगा करने में आपको ठीक है ना टेंशन नहीं लें बस जुड़े रहें तो ये स्पेलिंग हुआ तो बेटा कोर्स ये लिख रहे हो ना सिलेबस सिलेबस लिख दे बाकी तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको है ना <laughs> मैं आपको पी प्रोवाइड कर दूंगा तो बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड अभी आप एक चीज और देखें ये आया प्रोनसेशन रूट वर्ड्स अब ये लिस्ट ऑफ मेनिया फोबिया ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सारी चीज़ों की ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा और अब शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं कि हम स्टार्टिंग से क्या करें तो बेटा स्टार्टिंग के अंदर जो हम करेंगे बेटा स्टार्टिंग में जो हम करेंगे दैट इज़ इसमें आज जो हम कर रहे हैं हां जी हां जी मजा आ जाएगा बेटा करने में आपको टेंशन ना लो तो इसमें जो हम कर रहे हैं सबसे पहले वन वर्ड इसमें जो करेंगे हम आज जो शुरू कर रहे हैं वन वर्ड रूटवर्ड्स और रूट वर्ड्स और एटीमोलॉजी ये तीन चीज शुरू कर रहे हैं आज पहली क्लास से ठीक है आज पहली क्लास से ठीक है हम शुरू कर रहे हैं पहली क्लास से ये तीनों चीजें ठीक है देखें हाँ जी अब हम शुरू करेंगे आज जो शुरू कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रूट वर्ड्स एटीमोलॉजी इन सब चीजों को देखिए तो बेटा अब शुरू करते हैं देखते हैं हाँ जी बेटा सागर गुप्ता मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ मैंने पहले बताया <laughs> हाँ बेटा मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं किसी के कमेंट्स सागर बेटा ध्यान दो अगर मेरा मैं किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप देख रहे हैं इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो बेटा जब मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ तो उधर कमेंट्स देख नहीं पाता हूँ और जब मैं उधर कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ तो बेटा मिस हो जाता है तो नाराज ना हो दिल पर ना लें दिल पर लोगे दिल एक ही है ठीक है दिल पर इतनी बातें नहीं लेनी चाहिए आप किडनी पर ले लो किडनी दो है ठीक है मेरी बात है किडनी पर लेना दिल पर नहीं दे चलो ध्यान दें हां तो अब देखें एटीमोलॉजी बेटा अभी जो मैं बेटा भी करवाऊंगा लेकिन अभी जो मैं पीडीएफ लाए हूं, अब तो मैं वही बताऊंगा ठीक है ना अब जो हम पीडीएफ लाए अभी तो वही करेंगे हाँ जी एटीमोलॉजी तो अब देखो कि एटीमोलॉजी होता क्या है एटीमोलॉजी का पहले डेफिनेशन ले लेते हैं कि भाई एटीमोलॉजी होती क्या है मैं जो करवाने जा रहा हूं वो है क्या हमें इनके नाम तक नहीं पता है और सीखने जा रहे हैं है ना हाँ जी ध्यान दीजिए हाँ हाँ अभिनव शुक्ला बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे कमेंट्स ना करो मेरा रिप्लाई नहीं दिया मेरा कमेंट्स नहीं देखा बार बार आप मेरी बात को वही रिपीट करे जा रहे हो मैं बता रहा हूं या तो मैं पढ़ा लू या आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ क्योंकि आप जितनी क्वेश्चन पूछ रहे हो सभी का रिप्लाई करूंगा तो यहां से क्लास रह जाएगी क्योंकि मेन मकसद है क्लास वो हर एग्जाम के लिए हर एग्जाम के लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं कौन सा एग्जाम हर एग्जाम अब हर का मतलब क्या होता है एवरी एवरी का मतलब है कुछ छोटा ही नहीं कुछ छोटा ही नहीं हां ध्यान दीजिए ठीक है नहीं इसमें वर्ड पार मेड इजी का तरीका बताऊंगा रूट वर्ड्स जो होते हैं रूट वर्ड्स याद कर लोगे तो वर्ड पार मेड इजी हो जाएगा पूरा तरीका बता दूंगा पूरी बुक क्लियर हो जाएगी वर्ड पार मेड इजी ठीक है आगे देखें अब एटीमोलॉजी क्या होता है एटीमोलॉजी इज वॉट एटीमोलॉजी ज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड एटीमोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ दिस्ट्री ऑफ वर्ड शब्दों की शब्द कोई पर्टिकुलर वर्ड का ओरिजन की कोई भी पर्टिकुलर वर्ड कैसे बना किसी भी वर्ड का जन्म कैसे हुआ किसी भी वर्ड को हमने किस हिसाब से क्यों बनाया तो एटीमोलॉजी तो देखो है ना तो एटीमोलॉजी देखिए अस्मिता बिल्कुल ठीक कह रही बेटा अस्मिता कुमारी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है हाँ। तो ध्यान दीजिए तो एटीमोलॉजी आगे देखिए मैंने मैंने ये ये वर्ड वर्ड लिखा अब देखो ये वर्ड। लोक्विस्ट मैंने क्या वर्ड लिखा बेटा मैंने वर्ड लिखा सोमनी लोक्विस्ट और बड़ा बड़ा मैं अलग से लिख देता हूं इसका देखीजिए अब इसका मीनिंग बताइए मुझे क्या मीनिंग होगा सोमनी लोक्विस्ट अब मैं देखो आपको इसको क्लियर करवाऊंगा कि बड़े बड़े शब्द भी बड़े आसान हो जाएंगे बड़े बड़े शब्द आसान हो जाएंगे तो आपको है ना शब्दों का मीनिंग रटने की ज़रूरत नहीं है मीनिंग की क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है मीनिंग की क्रैमिंग नहीं मीनिंग की आपको क्रैमिंग नहीं करनी रटना नहीं है मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग करनी है मीनिंग की क्रैमिंग नहीं करनी शब्द कैसे बना समझिए ध्यान दीजिए वालेकुम अस्सलाम बेटा बोलो शिल्पा बेटा क्या कर रहे हैं हाँ जी हाँ देखो सोमनी का मतलब क्या है कौन बताएगा जल्दी बताएं सोमनी का मतलब अब मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूं कि सोमनी लोकविस्ट का मतलब होता है क्या है देखो अब तीन रूट वर्ड आ गए हमारे पास देखो तीन रूट वर्ड्स हैं हमारे पास अभी फिलहाल कौन कौन से ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं रूट वर्ड्स की रूट वर्ड्स की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा वर्ड पावर मेड इजी एक नॉर्मल लुइज अमेरिकन राइटर की एक बुक है नॉर्मल लुइज ने लिखी है वर्ड पावर मेड इजी पौने सात सौ पेजिस की बुक है पूरी क्लियर हो जाएगी रूट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा ठीक है ना थैंक यू अभिनव हां तो अब देखो रूट रूटवर्ड तो हमारे पास तीन देखो रूट वर्ड है एक सोमना एक लौकी और एक आई एस टी इन तीन वर्ड से जुड़कर यह वर्ड बन गया ये रूटवर्ड से तीन रूटवर्ड से ध्यान दीजिए सोमना का मतलब होता है स्लीपिंग लौकी का मतलब होता है टॉकिंग और person, किसी word के end में हो तो उसका मतलब होता है कोई पर्सन या डूअर जिसे नाउन सफिक्स कह देते हैं ग्रामर की भाषा में बाकी क्या होता है पर्सन या डूअर किसी भी काम को करने वाला किसी भी काम को करने वाला तो स्लीपिंग मतलब सोना टॉकिंग मतलब बातें और आई एस टी मतलब पर्सन तो देखो मैंने क्या वर्ड लिखा ये वर्ड आइए इस वर्ड का अब छोटा सा ऑपरेशन कर देते हैं इस शब्द को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं सोमना का निकला सोमनी मतलब स्लीपिंग मतलब सोना किसी भी चीज का ठीक है और लौकी का मतलब क्या होता है लौकी का मतलब क्या हो गया टॉकिंग मतलब बातें करना और आई एस टी का मतलब क्या हुआ पर्सन तो अब क्या मीनिंग निकलता है इसका अब इसके देखो इस टूटे हुए मीनिंग को एक एक लाइन में पिरो दो, टूटे हुए मीनिंग को एक लाइन में पिरो दो, बात समझ में आ जाएगी देखें क्या होगा कि वो पर्सन ऐसा इंसान जो टॉकिंग जो बातें करे स्लीपिंग सोते समय कहता है, ऐसा इंसान जो बातें करे सोते समय तो यही तो कह रहा आई एस टी ऐसा इंसान जो लोग बातें करे कैसे सोमनी सोते समय तो सोमनी लिपिस्ट जो सोते समय बातें करता है सोते समय बड़बड़ाने वाला इंग्लिश में क्या कहेंगे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे वन हु टॉक्स वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग सोते समय बातें करने वाला तो इसको क्या कहते हैं सोमनी सोमनी लोक्विस्ट क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं सोमनी लोक्विस्ट अब यही तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यही तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि आप ये पूरा सेंटेंस ना लिखें इस पूरे सेंटेंस के स्थान पर अगर आप ये एक सिंगल वर्ड लिख सकते हैं लिख देते हैं तो यही तो होता है ये सब्सटीट्यूट किसके स्थान पर आया सब्सटीट्यूट का मतलब होता है किस स्थान पर किसके इस सेंटेंस के स्थान पर आया इसीलिए इसे कहते हैं वन वर्ड सब्सटी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब बताइए समझ में आया कि नहीं सोमनी लोकिस्ट वन वर्ड सब्सिट्यूशन जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं ये पॉइंट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं कि सोमनी लोकविस्ट क्या होता है सोमनी लोकविस्ट क्या होता है तो बेटा सोमनी लोकी और आईएसटी यही बात आई नींद में ये कह रहा है कि नींद में बोलने वाला क्या बनता है नींद में बोलने वाला सोमनी लोकविस्ट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्लियर है कि नहीं देख रहा हूं कोई कहता है कि किसको नहीं आया समझ में जल्दी बताओ जल्दी हां जी गौरव वालेकुम सलाम थैंक यू प्रतीक बेटा हाँ यस 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 बहुत बढ़िया बेटा धीरा ब्रजेश गौरव है ना विधोनी विपुल मैं तो पढ़ नहीं पाते हैं तुम्हारे कमेंट्स इतने सारे आ जाते हैं बहुत बाकी सबका क्लियर है लव यू टू बेटा लव यू टू ऐसी बातें आ जाती हैं बेटा इंग्लिश वीक है तभी तो क्लास कर रहे हैं अभी देखो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्लियर 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 दैट्स ग्रेट आगे बढ़ते हैं अब देखो आगे बढ़ते हैं देखो शब्द कितने आसान हो जाएंगे देखो शब्द कितने आसान हो जाएंगे मेरी क्लास में आपको शब्दों को रटना नहीं है मी मीनिंग का क्रैमिंग नहीं करना मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी अब एक बात दिमाग में रखे मीनिंग का क्रैमिंग नहीं करना मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है कि वर्ड बना कैसे ओके okay. बहुत दैट्स इट लव यू बेटा लव यू टू तो ध्यान दो अब देखो अगला अब आते हैं अगला वर्ड दैट इज अब देखो मैंने दे दी रूट वर्ड की छोटी सी लिस्ट अब देखो थैंक यू बेटा थैंक यू राजपूत जी राजपूत जी थैंक यू राइटिंग की आप तारीफ कर रहे हैं थैंक यू हाँ ग्रेट ग्रेट बच्चे बच्चे आ जाओ तो अब देखो मैंने अब रूट वर्ड्स की छोटी सी लिस्ट दी है अब इसे जरा पढ़ लो एक बार तो इन रूट वर्ड्स के बिहा पर मैं कुछ शब्द सिखाने जा रहा हूँ आपको रटना नहीं पड़ेगा रूट वर्ड समझ में आने चाहिए और ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा अभी तो छोटी सी अभी निक्की सी है तो ट्रेलर है ट्रेलर है अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त टेंशन ना लेना हाँ जी मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद सुल्तान अब तुम्हारे नाम की तस्वीर पढ़ूंगा मैं मोहम्मद सुल्तान तुम्हारा नाम ले रहा हूँ मोहम्मद सुल्तान हाँ जी चंदन भाई थैंक यू हाँ बेटा वोकेबलरी वीक है कोई बात नहीं बढ़िया हो जाएगी लेकिन आप बने रहे किसी क्लास को मिस मत कीजिएगा किसी क्लास को मिस मत कीजिएगा और हर क्लास को ऑनलाइन देखिएगा आइए हां जी मोहम्मद सुल्तान ले लिया तुम्हारा नाम मैंने रूट वर्ड्स देख लें गैमोज मतलब मैरिज देखो बेटा शब्द कितने आसान हैं शब्द डिफिकल्ट नहीं है बेसिकली मैंने कहा अप्रोच डिफिकल्ट है हमारी अप्रोच सही नहीं है ध्यान देते गैमोज गैमोज का मतलब होता है मैरिज रूट वर्ड्स देख लीजिए हां एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण चारों तरफ का माहौल जो होता है हाँ थैंक यू सोनू कुमार हाँ पढ़ लीजिए देखो इन्हें पढ़ लीजिए थैंक यू थैंक यू हाँ देखे गैमोज मतलब मैरिज गायने गायने मतलब फीमेल रूट वर्ड्स याद होंगे शब्द समझ में आ जाएगा रूट वर्ड्स पर फोकस कीजिए अगला गायने मतलब फीमेल एंड्रोज मतलब मेल मिसीन मतलब टू हेट किसी से नफरत करना मिसीन अच्छा ये मिसो के रूप में सामने आता है जब भी आप बात करेंगे मिसो के रूप में सामने आएगा मिसीन ऐसी फाइल का मतलब होता है टू लव किसी को प्यार करना तो ये जनरली फिल के रूप में सामने आता है ठीक है ये मिसो के रूप में ये फिल के रूप में सामने आएगा मोनो का मतलब हो जाएगा सिंगल मतलब एक मोनो का मतलब होगा सिंगल मतलब एक पॉली का मतलब हो जाएगा मेनी मतलब बहुत ज्यादा पॉली का मतलब मेनी कोई बात नहीं प्रेम प्रकाश कोई बात नहीं लेट हो गए कोई बात नहीं है बाकी रिकॉर्डेड ये क्लास होगी तो बाद में पूरा देख लेना लेकिन आप मेरी क्लास को कभी भी मिस ना करें ऑनलाइन आकर ही देखें हां ध्यान दीजिए बेटा निधि इसे स्लो नहीं कहते इसे कहते हैं ठहराव से इसे कहते हैं बच्चों को समझाते हुए निधि आपको ऐसा लगता है स्लो इट इज नॉट कोल्ड स्लो इट इज कोल्ड की बात ढंग से समझ में आ जाए देखो कहते हैं ना शेर का बच्चा एक ही अच्छा सुना होगा शेर का बच्चा एक ही अच्छा आप पचास शब्द याद करो निधि स्पेशली तुम्हें समझा रहा हूं आप पचास शब्द शब्दों को याद कीजिए और उसके बाद पांच दिन बाद भूल जाइए वो ज्यादा प्रभावी है या पचास की जगह बीस शब्द याद कीजिए लेकिन वो शब्द याद नहीं समझ लीजिए ताकि जिंदगी भर काम आए तो वो पचास शब्द ज्यादा इफेक्टिव है या बीस तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर ठीक है हाँ देखिए तो अब यहाँ पे क्या कहता है मोनो मोनो का मतलब होता है सिंगल मतलब एक पोली का मतलब होता है मेनी बहुत ज्यादा बाय का मतलब होता है टू या बोथ दो की बात करता है

ओ भाई ये तो रटेगा ना फिलोगमी कि द लव फॉर मैरिज शादी से प्यार लेकिन ये शब्द बना कैसे हमें मीनिंग पर इतना फोकस नहीं करना मीनिंग को हटा दो मीनिंग हटा दो मीनिंग को खत्म कर देते हैं इसका क्या मीनिंग है नहीं पता इसका मीनिंग क्या है नहीं पता ये देखो कहता है इसका मीनिंग क्या है नहीं पता शब्द को ऐसे ही समझो शब्द को ऐसे ही समझो मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा मीनिंग को रटना नहीं है बन कैसे रहा है उस पर फोकस करें ओरिजिन यही इसी को कहते हैं एटीमोलॉजी ठीक है ना आ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऋषि बिल्कुल ठीक कहा आपने हाँ अब देखो ध्यान दो तो बेटा मैंने फिलो में लेते हैं जिसका मतलब क्या होता है लव किसी को प्यार करना और गेमी अब बेटा गेमी किस वर्ड से बना गेमी वर्ड बना गेमोज से गेमी किस वर्ड से बना गेमोज से गेमोज का मतलब क्या होता है मैरिज गेमोज़ का मतलब क्या होता है मैरिज तो अब इस शब्द का मीनिंग क्या बना कि भाई फिल और क्या गेमी फिल और गेमी तो दो, दो बने तो फिल का मतलब हो जाएगा लव और गेमी का मतलब हो जाएगा मैरिज तो, तो क्या बना मीनिंग तो मैरिज से प्यार करना मतलब शादी से प्यार करने वाला जो कहता हूं मेरी शादी कराऊ मुझे शादी करना है मैं तो 20 साल का 18 साल का हो गया मेरी शादी करा दो है ना तो ध्यान दे हां कंफ्यूज है रेणु चोपड़ा जी ध्यान ना दे ध्यान ना दे क्या कहते इधर उधर की बातों पर आप ध्यान दें इधर बात समझ में आएगी देखो तो फिलो का मतलब हो जाएगा लव और गेमी का मतलब हो जाएगा मैरिज तो फिलो क्या बना शादी से प्यार करना तो यही तो मीनिंग है यही तो मीनिंग है समझ ले द लव फॉर मैरिज कि फिलोगमी होता है जो शादी से प्यार करने को सोचे कि भाई शादी से जो प्यार करे बेटा मैं फिर बता रहा हूं देखो कंफ्यूजन तब बनेगी जब ये वर्ड्स ना पता हो हां जी <laughs> बेटा क्लास के बाद ब्रिजवासी क्लास के बाद क्लास के अंदर नोट्स रह दो मैं सब भेज दूंगा जब क्लास के बाद आप जब इसको रिविजन करोगे तब नोट्स बना लेना और जो कुछ चीज ऐसी लगती है आपको कि भाई बहुत जरूरी है तो पेन पेंसिल लेकर बैठे तब तब भी नोट्स बना ले ठीक है ना हाँ जी हाँ ध्यान दीजिए हाँ मेरी शादी करो हाँ अंकुश बिल्कुल ठीक है देखो अंकुश के ना टाइप करके भे, भेजा है अंकुश ने लेकिन मैं फीलिंग समझ रहा हूँ अंकुश की अंकुश की फीलिंग आ रही हो मेरी शादी करवाओ अंकुश जी ध्यान दे हाँ बेटा स्लो स्लो बोल रहा हूं ध्यान जी, हाँ बेटा उसके लिए भी डिपेंड करता है बेटा जो आप तो कह रहे हैं ना उसके लिए भी डिपेंड करता है तुम्हारा नाम तो नहीं तुमने अपना टेलीफोन नंबर डाल रखा है मैं तुम्हें कैसे बताऊं ध्यान दीजिए तो ये वर्ड्स देख लो बेटा गेमोज मतलब मैरिज गायने मतलब फीमेल एंड्रोज मतलब मेल मिसीन मतलब टू हेट फिल्म फिल या फाइल का मतलब टू लव मोनो का मतलब सिंगल पोली का मतलब मैनी बाय का मतलब टू या ये मतलब ये दिमाग में रखो इनसे सिखा मैं। तो हमारे पास ये वर्ड आया, देखो, ये रूट से बना फिल का मतलब मैरिज मतलब तो मतलब शादी से प्यार करना ठीक है तो मैरिज अब देखो फिलो अब देखो फिलो का मतलब तो क्या हो जाएगा टू लव प्यार करना जिनी किस वर्ड से बना गाय से फीमेल तो टू लव प्लस फीमेल मतलब औरतों से प्यार करना औरतों की तारीफ करना औरतों से प्यार करना अब ये नहीं सिर्फ मर्द ही औरतों से प्यार करेंगे मतलब क्या कहते हैं औरतें भी अगर औरतों से प्यार कर रही हैं, औरतें भी औरतों की तारीफ कर रही हैं तो उसको कहेंगे हम फिलोजिनी मतलब टू लव फॉर फीमेल तो ये हो जाएगा द लव फॉर या क्या कहते हैं और एडमिनेशन ऑफ विमेन विमेन मतलब औरतों की प्रशंसा या औरतों से प्यार करना औरतों से की प्रशंसा या औरतों से प्यार करना अब औरतों की प्रशंसा औरतें भी कर सकती हैं मर्द भी हां जी <laughs> देव ने तो पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ ही लिख दी कि कितने साल का है <laughs> हां जी खुशी राम बेटा क्या हुआ इतना उदासी वाला वो क्यों भेजा हाँ ध्यान दे। देखिए बेटा हाँ क्लियर हुआ ये समझ में आ गया फिलोजनी जो वर्ड समझ में नहीं आया मुझे बता देना बेटा कोई वर्ड समझ में नहीं आया कि सर नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर समझा दीजिए आपको ऐसा लगता है मैं दोबारा समझा दूंगा ठीक है बेटा ध्यान दे फीमेल ये क्लियर हो गया देखो अब मिसो मीनिंग देखो अब आप अब, अब इनके मीनिंग इ, इन पर फोकस ना कीजिए इन पर फोकस ना कीजिए आप देखो वर्ड समझ में आ जाएगा रूट वर्ड जिसे पता है मिसो गमी थैंक यू गौरव बेटा हाँ हां अनुज बेटा सबके आ रहे हैं बेटा सबके आ रहे हैं एसएमएस सभी के आ रहे हैं लेकिन हर किसी का है ना हर किसी का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता ना मेरे बच्चे हर किसी का रिप्लाई दूंगा तो क्लास देखो मिस हो जाएगी ध्यान दो तो मिसो गमी तो मिसो का मतलब क्या होता है मिसिन इसका मतलब होता है टू हेट इसका मतलब होता है टू हेट मतलब नफरत करना किससे गमी मतलब मैरिज अब ये क्या हो जाएगा कि शादी से नफरत करना मिसोगमी एक था फिलोगमी पहले क्या था फिलोगमी शादी से प्यार करना मिसोगमी शादी से नफरत की मुझे शादी ही नहीं करनी बिल्कुल सख्त लोंडा शादी नहीं करनी सख्त लोंडा नहीं करूंगा शादी कोई किसी कोई इंप्रेस नहीं कर सकता मुझे सख्त लोंडा बन जाना है ना <laughs> बिल्कुल नीतीश बेटा इसके बाद बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत बढ़िया समझ में आएगा हम्म देखें मिसोगमी मतलब शादी से शादी से नफरत करना कि मुझे नहीं करनी बिल्कुल भी क्योंकि मिसो का मतलब तो हेट हो गया और मेरिज मतलब गेमिंग मतलब मेरिज बेटा अब रटने से तो कोई फायदा नहीं है ना मीनिंग का मीनिंग की क्रैमिंग नहीं करनी है मीनिंग की क्रैमिंग नहीं करनी है कि भाई मिसोगमी ये होता है मिसोगमी होता है मिसोगमी के अंदर ही वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग ढूंढो वर्ड के अंदर ही मीनिंग ढूंढो उसका अलग से मीनिंग मत ढूंढो क्लियर हुआ ना हाँ तो ध्यान दे तो ये क्या हो जाएगा मिसोगमी अब वो कह रहा है कि यस सर हम गौरव कह रहा है कि हम मतलब कि मैं शादी से नफरत करता हूं बेटा मिलने दे तो जब जब लुगाई घर पे आएगी ना बड़ा खुशी खुशी शादी करेगा बरमाला डालेगा खुशी खुशी है ये कह रहा है हम तो ऐसे हैं देख कितना से शरीफ बन रहा है बेटा पता है क्या कहते हैं कितने, है? कितने शरीफ हो तुम सब हाँ ध्यान दो मिसो कमी टू हेट मतलब मैरिज तो शादी से नफरत करना द हेट्रेड ऑफ मैरिज शादी से नफरत मीनिंग क्लियर हो गया होगा अगला देखें मिसोजिनी तो बेटा मिसो किससे बना मेसिन तो इसका मतलब माइसो मिसोजनी का मतलब हो जाएगा इसका मतलब होता है हेट मिसो का मतलब हेट और जिनी का मतलब गायने गायने मतलब औरत फीमेल क्या हो जाएगा फीमेल तो अभी से समझ लो मसिन का मतलब हेट गायने का मतलब फीमेल तो फीमेल से नफरत करना जो औरतों से नफरत करे जो फीमेल जाति से नफरत करे जो फीमेल जाति से नफरत करे मिसोजिनी तो इसे क्या कहते हैं मिसोजिनी जो औरतों से नफरत करता है मिसोजिनी जो शादी से नफरत करना है मिसोगमी क्योंकि मिसो मिसो का मतलब क्या हो जाएगा नफरत करना गमी मतलब मैरिज और जिनी मतलब फीमेल तो शब्द के अंदर ही उनका मीनिंग है, है ना बेटा सोचो शब्द के अंदर ही मीनिंग है बाहर नहीं ढूंढो शब्दों को शब्द के अंदर ही मीनिंग है हम्म क्लियर हुआ अब बात समझ में आ गई होगी अगर यह बात समझ में आ गई तो अगला वर्ड फिल लो अब इसके अंदर दो वर्ड फिल आ गए तो फिल फिल का मतलब होता है लव टू लव क्या होता है फिल का मतलब टू लव किसी को प्यार करना और एंड्री का मतलब होता है मेल जैसे गायने का मतलब होता है फीमेल ऐसे ही एंड्रोज एंड्रोज का मतलब होता है मेल जैसे गायने का मतलब फीमेल ऐसे एंड्रोज का मतलब होता है मेल तो अब क्या होता है आदमियों से प्यार करना आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं बस यही अपराध में हर बार करता हूं आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूँ पहले यार कितने रियलिस्टिक गाने होते थे लेकिन पॉइंट इज ये नहीं कि आदमी आदमी से प्यार करे जब औरतें भी आदमियों को प्यार करे कि जब आदमियों से प्यार किया जाए चाहे औरतें औरते करें चाहे आदमी करें तो उसे कहते हैं हम फलेंड्री इट इज कॉल्ड फिलेंड्री तो क्या कहता है कि प्यार या फिर तारीफ ऑफ मैन आदमी पुरुष लोगों की तारीफ <laughs> नीरज तो क्यों मेरे भाई तुझे मेरी शादी से क्या मतलब है भाई ये बता हाँ कहता है द लव एडमेशन ऑफ मैन औरतों की आदमियों और uh, और तो की तारीफ uh, आदमियों की तारीफ या आदमियों से प्यार करना तो क्या कहलाएगा फिलैंड्री आदमियों की तारीफ या आदमियों से प्यार करना फिलेंड्री कहलाएगा हांजी जी ध्यान दीजिए मिसेंड्री अब देखो मिसेंड्री तो बेटा फिल का मतलब होता है लव मिस का मतलब होता है हेट नफरत करना एंड्री एंड्रोस से बना जिसका मतलब है मेल तो मतलब मेल पुरुषों से नफरत करना तो मिसेंड्री क्या हो जाएगा पुरुषों से नफरत करना मिसेंड्री क्या बनेगा पुरुषों से नफरत करना हाँ ध्यान दीजिए हाँ, क्लियर है पुरुषों से आ, क्या कहते हैं नफरत करना ये पुरुषों से प्यार करना मिसेंड्री हेट्रेड ऑफ मैन अब ऐसा नहीं है सिर्फ औरतें ही नफरत करें मर्दों से जब मर्द भी मर्दों से नफरत करते हैं तो दैट इज कोल्ड मिसेंड्री मिसेंड्री प्लीज हाँ जी बेटा बेटा ये सारी चीजें सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा सब कुछ क्या कहते हैं मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा मेरे से पूरा कॉन्टैक्ट हो जाएगा लेकिन फिलहाल क्लास पर ध्यान दो सारी चीजें हो जाएंगी हाँ हाँ बेटा कोई भी क्वेश्चन <laughs> क्लियर हुआ चलो तो देखो फिर मैं बता देता हूं फिल का मतलब हो जाएगा लव एंड्री मतलब मेल तो मतलब मेल से प्यार करना मिसेंड्री क्या हो जाएगा मिसेंड्री एंड्री मतलब पुरुष और पुरुषों से नफरत करना डन बात समझ में आ गई होगी अगर यह बात समझ में आ गई है तो अब बेटा इसको हम कल की क्लास में करेंगे आज टाइम हो गया इसको कल कैरी ऑन करेंगे इसको हम कल कैरी ऑन करेंगे ठीक है बेटा अभी हमारे नौ गए आठ से नौ की क्लास है ना तो कल लेकिन आप मेरे से सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्लास के रिगार्डिंग इधर उधर के नहीं ठीक है बेटा आप यह प्रॉमिस करो कि कल आप टाइम पर आओगे और दूसरी बात सिर्फ इधर उधर के नहीं ताकि हम ज्यादा वोकेबलरी करें ताकि हम ज्यादा वोकेब्लरी करें क्योंकि मैं अभी वोकेब्लरी का बड़ा लंबी लिस्ट लाया था लेकिन कोई नहीं कल पूरा करते हैं तो टेंशन नहीं लीजिए कि आप मेरे साथ बने रहिए बहुत वोकेब्लरी करना है लॉजिकल करना है रटना नहीं है वोकेब्लरी की अंडरस्टैंडिंग ना कि वोकेब्लरी की क्रैमिंग रटने से वोकेब्लरी नहीं आता भूल जाते हैं बॉस भूल जाते हैं यहां तो नस नस में वोकैबलरी को बसा देना है नस नस में सोते समय आप वोकेबलरी बोलोगे ध्यान दीजिएगा ठीक है मिलते हैं कल की क्लास में ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा आज रात ही कल मिल जाएगा आपको ठीक है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कल करते हैं इस पीडीएफ को आज के लिए करते हैं गुड नाइट स्लिप टाइट हैव ए नाइस नाइट मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल गुड नाइट स्लिप टाइट जय हिंद जय भारत